हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मोटर स्टार्टिंग मेथड के बारे में कि हम किन किन मेथड से मोटर को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। बेसिकली मैंने 8 मेथड बताए हैं जिससे हम मोटर को स्टार्ट व स्टॉप कर सकते हैं, जिसमें पहला मेथड है ड्यूअल स्टार्टर यानी डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जिससे कि आपको नाम से पता चल रहा है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, जो कि इनपुट में जितना वोल्टेज मिलता है उतने ही आउटपुट में देकर मोटर को स्टार्ट कर देता है। और इसकी रेटिंग 3 HP से 7 HP तक की मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ होता है। सेकंड नंबर पे है स्टार डेल्टा स्टार्टर, जो कि 7 HP से ऊपर की मोटर को स्टार्ट करने के लिए यूज़ करते हैं और स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए हम स्टार डेल्टा यूज़ करते हैं। थर्ड नंबर पे है लिक्विड रेजिस्टेंस मोटर स्टार्टिंग, जो कि ST मोटर, जो कि लगभग 50 किलोवाट से 2000 किलोवाट की रेटिंग की हो तक की हो सकती है, और इसको शॉर्ट फॉर्म में LRS कहते हैं। LRS बेसिकली स्लिप रिंग इंडक्शन मोटरों को स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए यूज़ होता है। फोर्थ नंबर पर हम बात करेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर, इसको हम एक टैप चेंजर ट्रांसफार्मर की तरह देख सकते हैं, क्योंकि इसके अलग अलग टेप पर हमें अलग अलग वोल्टेज प्राप्त होता है और अलग अलग वोल्टेज के हिसाब से हम मोटर को इसकी स्पीड में वेरिएशन करके स्टार्ट व स्टॉप कर सकते हैं। 5 नंबर पर है रेजिस्टेंसेस बेसिस स्टार्टिंग मोटर स्टार्टर, जो कि हम रोटर साइड में रेजिस्टेंस को ऐड करके अलग अलग स्टेप पर अलग अलग स्पीड को हम इस स्टार्टर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। इस टाइप के स्टार्टर का यूज़ बेसिकली हम EOT क्रेन में मोटर की स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए यूज़ करते हैं। आगे हम बात करेंगे GRR ग्रिड रोटरी स्टार्टर, मतलब इस स्टार्टर का यूज़ हम बेसिकली मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करने के लिए अलग अलग स्टेप पर अलग अलग कॉन्टैक्टर को पिकअप करवा के सर्किट में रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं, और मोटर जब 60-70 स्पीड तक आ जाती है तब मोटर से इस सर्किट को बाईपास करके मोटर को फुल स्पीड पर स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हम बात करेंगे VFD या VVFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव या वेरिएबल वोल्टेज फ्रिक्वेंसी ड्राइव। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हमारा वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी को वेरी करते हुए ड्राइव को स्टार्ट करता है, और इसमें हम मोटर को स्मूथली स्टार्ट व स्टॉप कर सकते हैं और स्पीड और RPM में इसके कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला स्टार्टर है हमारा सॉफ्ट स्टार्टर, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्ट स्टार्टर मतलब स्मूथ ऑपरेशन करने के लिए हम सॉफ्ट स्टार्टर का यूज़ करते हैं। यह एक लगभग VFD की तरह ही होता है, पर इसमें कुछ कम फंक्शन की वजह से यह VFD के बेसिस पे वर्क नहीं कर पाता है। VFD में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन की वजह से आजकल VFD ज़्यादा यूजेज में काम ली जा रही है, और सॉफ्ट स्टार्टर भी लिए जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे फंक्शन या ऑपरेशन को करवाने के लिए किए जाते हैं जहाँ पर स्टार्ट व स्टॉप में जर्क व स्पीड को कम ज़्यादा किया जा सके। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस नॉलेज को शेयर करें, ताकि उनको भी अच्छे से अच्छे वीडियो और नॉलेज प्रोवाइड हो सके। थैंक यू, धन्यवाद।